अभी मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में, ठीक है। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी की कभी भी बात होती है तो आप जो समझेंगे वो विस्कोसिटी होती है आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं म्यू से और इसको ही बोलते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से जो आपको पता लगा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से पता लगा था आपको रिलेशन टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो यहाँ से अगर मैं म्यू इज इक्वल टू लिखना चाहूँ क्योंकि मुझे उसी की यूनिट निकालनी है, तो टॉ इंटू डी वाई अपॉन डी यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी यूनिट लिखना चाहूँ तो स्ट्रेस की हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू डी वाई आपकी मीटर अपॉन मीटर, और ये ऊपर जाके आपका सेकेंड, तो मीटर से मीटर गया तो ये यूनिट बन जाएगी आपकी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसे और ज़्यादा ओपन करूँ तो फोर्स की जगह आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू, ये सेकंड सेकंड रहेगा, अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इज इक्वल टू सेकंड से ये गया, मीटर से ये मीटर गया, तो इसकी यूनिट आपकी शॉर्ट में बन जाएगी किलोग्राम मीटर सेकंड, ये बन गई। अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखना चाहूँ यहाँ से तो एम किलोग्राम के लिए एल माइनस वन ऊपर जाएगा और टी वी माइनस वन ऊपर जाएगा। तो ये ध्यान रखना, विस्कोसिटी की बात करेगा तो आप डायनेमिक विस्कोसिटी समझेंगे और आंसर ये मारेंगे ना कि काइनेमेटिक वाला, ठीक। तो ये बात हुई आपकी एम के एस में। अब सी जी एस में अगर आप आएंगे तो सी जी एस में इसकी यूनिट होती है, देखो 1 किलोग्राम को लिख सकता हूँ ग्राम अपॉन मीटर को लिख सकता हूँ सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, इसी को बोला जाता है 1 पॉइस, ठीक है, 1 पॉइस बोला जाता है। अब देखो इसी 1 पॉइस को मैं लिख सकता हूँ अगर एम के एस में चेंज करना चाहूँ तो 10^-3 kg हो जाएगा 1 ग्राम में, अपॉन 10^-2 मीटर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में इंटू सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब 0.1 किलोग्राम मीटर सेकेंड। ध्यान रखना 1 पॉइस इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, 0.1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, ठीक है। अब जो दूसरी विस्कोसिटी आती है आपकी उसको बोलते हैं काइनामेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, काइनामेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। और ये जो काइनामेटिक विस्कोसिटी होती है इसे न्यू से डिनोट करेंगे, तो न्यू इज इक्वल टू हमने जो देखा था वो क्या था, म्यू बाई रो। म्यू की आप बताएं यूनिट किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, अपॉन अगर मैं बात करूं डेंसिटी की तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये किलोग्राम से किलोग्राम तो कट जाएगा, मीटर क्यूब ऊपर जाएगा, तो ये मीटर कटेगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ से इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन हो जाएगी इसकी L2T-1। ये तो बात हो गई एम के एस। अब अगर सी जी एस की बात करें तो सी जी एस में आप इसे क्या लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसी को बोला जाता है 1 स्टोक्स। और अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ एम के एस में तो देखो आप 10^-4 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो सेकेंड रहेगा। तो ध्यान रखना 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10^-4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये डायमेंशन ध्यान रखना काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। पॉइज यूनिट ज़्यादातर न्यूमेरिकल में दी भी रहती है, ठीक है। बाकी इससे रिलेट करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और यूनिट्स का आंसर आराम से दे सकते हैं। थैंक यू।